अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक एंड वीडियो। दिस इज मलिक अमजद, आप देख रहे हैं टेक्निकल वीडियो चैनल। तो गाइस, फाइनली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो कंपनी के एक और आपको स्मार्टफोन के बारे में। स्मार्टफोन का नाम है वीवो Y33। ये स्मार्टफोन का लॉन्च होगा, क्या प्राइस होने वाली है, क्या नए फीचर दिए जाएंगे, क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाला है या नहीं, क्या आपको स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं, कंप्लीट डिटेल के साथ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप वीवो Y33 का वेट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेना है। लेकिन गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसी वीडियो अपलोड करता हूं। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले फीचर की। स्मार्टफोन का डिस्प्ले साइज 6.6 इंच का है, साथ आपको 83.5% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दी जाएगी। रेजोल्यूशन 1080 के प्लस फुल एचडी की, रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का दिया जाएगा। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो स्मार्टफोन के डिस्प्ले में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो IPS LCD की है 16 मिलियन कलर्स के साथ, और पिक्सल डेंसिटी 401 की देखने को मिलेगी। No. Vivo की कंपनी ने स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर काफी अच्छा काम किया। आप स्मार्टफोन को डिस्प्ले वाइज कंसीडर कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन के साथ आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, साथ आपको 50W का फास्ट चार्जर इस मोबाइल फोन के बॉक्स के साथ दिया जाएगा। आप बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के रैम एंड वेरियंट्स की। यह स्मार्टफोन सिंगल वेरियंट में लॉन्च होगा जो कि 8GB रैम और 128GB रोम के साथ लॉन्च होगा। इस स्मार्टफोन की बैक साइड में ट्रिपल कैमरास का सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा 50 MP का होगा और सेकेंडरी कैमरा 2 MP का मैक्रो कैमरा दिया गया और थर्ड कैमरा 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। और साथ आपको LED फ्लैश भी दी गई है मेन कैमरे से, आप 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे। स्मार्टफोन के फ्रंट पे 5 और कैमरा दिया गया है जो कि 16 MP का, और फ्रंट कैमरे से आप 1080 की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे। इस स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट साइड माउंटर दिया गया, USB-C टाइप की पोर्ट दी गई है, 3.5mm का ऑडियो जैक दिया जाएगा, 11 OS का सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन में रन करता नजर आएगा। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की प्राइस की। तो पाकिस्तान में स्मार्टफोन की जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है वो 35,000 है, और इस स्मार्टफोन की प्राइस इंडिया के अंदर 23,000 तक एक्सपेक्ट की जा रही है। सो गाइस, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है कि ये स्मार्टफोन आप लोगों को कैसा लगा है। तो गाइस, ऐसी मजीद लेटेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियोस को वॉच करने के लिए अपने भाई के चैनल टेक्निकल बेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मोबाइल फोन के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।